कोरोना संक्रमण का एपी सेंटर बन चुके तबलीगी जमात के मरकज के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। मरकज की लापरवाही से कितना बड़ा संकट पैदा हो गया इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां जमात का हिस्सा रहे 93 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 45 तमिलनाडु में, 9 अंडमान और 24 दिल्ली के व्यक्ति बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 जमाती बीमारी से अपना दम भी तोड़ चुके हैं। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती में जमात में 15 लोगों की पहचान की गई। ये सभी लोग निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर लौटे थे। अब इन्हें तिरुपति के रुइया हॉस्पिटल में क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं यूपी सरकार ने दावा भी इस पर किया कि मरकज की जमात में शामिल हुए 95% लोगों की पहचान अब कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में अलर्ट है और कई शहरों की मस्जिदों में पनाह लेने वाले जमातियों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। फिलहाल जमात से लौटे और भी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं कई लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद निजामुद्दीन मरकज से सभी 2100 लोगों को बाहर निकाला गया। आज सुबह 4 बजे मरकज को खाली भी कराया गया। हालांकि मरकज से जुड़े लोगों का दावा है कि अंदर महज 1000 लोग उस वक्त मौजूद थे।